और इसकी आप ये देखिए ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है और बिल्कुल ज़बरदस्त इसका क्रस्ट पका हुआ है और बिल्कुल डो जो है अंदर से पकी हुई है, कच्ची नहीं है। ये देखें बिल्कुल फ्लफी डो है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आज। माजरत के साथ मेरी वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी, बस मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सका, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे रेगुलरली वीडियोस आएँ ताकि आप जो है आपको इंतज़ार ना करना पड़े और जिन लोगों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें रेगुलरली मिलती रहे। तो अब जो है पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा दी थी मैंने, पिज़्ज़ा चिकन बनाना सिखा दिया था, पिज़्ज़ा सॉस बनानी सिखा दी थी, अब सिर्फ उसकी ड्रेसिंग बाकी है और ओवन के अंदर उसको टेम्परेचर हमने कितना देना है और कितने टाइम के लिए पकाना है, ये चीज़ें बाकी हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ओवन के ऊपर। ओवन के ऊपर क्या होता है, ओवन का मैकेनिज्म ऐसे होता है कि नीचे टेम्परेचर उसका अलग होता है, ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है, तो वो दोनों टेम्परेचर एडजस्ट करने पड़ते हैं और उसका टाइम एडजस्ट करना पड़ता है कि आप कितने मिनट इसको इधर पकाएंगे। और पिज़्ज़े की जो क्वालिटी है उसके ऊपर चीज़ जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है। चीज़ आपको अच्छी अच्छी जो है क्वालिटी की लेनी चाहिए ताकि जो आपका पिज़्ज़े का टेस्ट है वो भी अच्छा है। अब मेरे पास ये स्मॉल पिज़्ज़ा का पैन है, आप इधर देखें तो ये प्रूव हुई हुई है डो। हमने इसको क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको इस तरह दबा देना है इसके, ताकि हल्के हल्के जो किनारे से हैं वो बन जाएं। और इसको जो सेंटर से है वो आप किसी चीज़ से इसको पोट भी कर सकते हैं, अगर डो बहुत ज़्यादा आपकी फूली हुई हो आप उसके अंदर हल्के हल्के कट लगाएं ताकि जो अंदर एयर है वो निकल जाए। तो इस कंडीशन में डो हमारी ठीक है, इसके बस हल्के से किनारे बनाएं और इसका जो सेंटर है उसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस थी जो हमने बनाई थी। आप इधर अगर देखें तो ठीक रखें, तो ये देखें ये पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाई थी ये फ्रिज के अंदर ही पड़ी थी इसलिए ठंडी है। इसको क्या करना है, हमने इधर लगा के अच्छी तरह जो है इधर फैला देंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस का ही कमाल होता है कि आपने पिज़्ज़े को स्पाइसी करना है या और दूसरी चीज़ जो होती है चिकन, कि चिकन के अंदर आप स्पाइसेस डाल लें और उसका जो फ्लेवर चेंज हो जाए और सारा कुछ उसी के अंदर हो सकता है। सॉस लगती है, अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ जाएगी वो हमारा चिकन जाएगा। चिकन मैंने बनाना डिटेल में सिखाया था, उसके जो फ्लेवर्स हैं उनकी रेसिपीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन फ्यूचर शेयर करेंगे, पहले बाकी चीज़ें हैं और बहुत सारी जिनको शेयर करना है। तो अब जो चिकन है ये आप देखिए, ये चिकन है, इस चिकन को हमने पिज़्ज़े के ऊपर लगा देना है। ये क्वांटिटी जो है इसकी मैंने सिलेक्टिव दी हुई है कि कितना इसके ऊपर जाएगा चिकन स्मॉल पिज़्ज़े के ऊपर, तो वो जो है वो वेटेज के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो उनके जो वो डिपेंड करता है कि आप आपकी प्राइसेस क्या हैं और आप क्वालिटी कैसी दे रहे हैं। तो ये पिज़्ज़ा चिकन ऊपर चला जाएगा, वो आप प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्राइस निकाल के। ये चिकन चला गया, अब जो है इसके ऊपर हमने लगानी है चीज़। चिकन के बाद ऊपर चीज़ जाएगी, चीज़ के बाद ऊपर इसकी जो वेजिस जाएगी वेजिटेबल्स और उनकी ड्रेसिंग होगी ऊपर। तो चीज़ है ये मेरे पास, ये क्रश चीज़ है, ये देखें ये ब्लॉक्स आते हैं बड़े बड़े, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें ये इस तरह के ब्लॉक आएंगे। इस ब्लॉक को हम जो है वो क्रश कर लेते हैं, इससे इस शेप में क्रश हमारे पास चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ को इधर हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे, तो अगर इधर कैमरे में आपको दिखा सकें तो ये ना थोड़ा इधर आके इत करो, लाइट नहीं होगी कौन सही आएगा, इसे ऊपर कर लो सही है। अब जो है इसके ऊपर पिज़्ज़े की जो चीज़ की ड्रेसिंग है चीज़ डालेंगे ऊपर, तो ये मीडियम स्मॉल लार्ज सबका एक ही साइज़ होता है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है एक पिज़्ज़ा इधर जो है ये बेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो चीज़ चली जाएगी ऊपर। अब जो है इसके ऊपर ये वेजिस, ये टमाटर और शिमला मिर्च है, इनके बीज नहीं डालने अंदर, इनके बीज जो है अलग करके इनको इस तरह छोटे आप इसको स्लाइसिस में भी काट सकते हैं लंबे, और इस तरह जो डाइसेस हैं इसके वो भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहते हैं इसकी।
तो ये टेस्ट के हिसाब से ऊपर डाल दें। नॉर्मली जो है वो इतनी सी क्वांटिटी के अंदर जाती है ऊपर, तो वो हम जो है डाल लेते हैं। बाकी ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये आपको मिल जाते हैं टिन्स के अंदर मार्केट से, तो ये ऊपर जाएंगे। ये रफली बस ऊपर आपने इस तरह डाल देना, ये ड्रेसिंग हो जाएगी हमारी। तो ये देखें जी, ये पिज़्ज़े की ड्रेसिंग हमारी हो गई है। अब ये जाएगा अवन के अंदर। तो अब जो है इस पिज़्ज़े को हमने पकाना है। अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो ये इधर देखिए आप 270 के राउंड में होना चाहिए, 270-275 तकरीबन, 265 से लेकर 275 के दरमियान में इसका ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें दो सेटिंग्स होती हैं, ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है, नीचे का अलग होता है। और 200 से लेकर 210 के दरमियान में नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। इसको इस टेम्परेचर के ऊपर इसको तकरीबन 7 मिनट लगेंगे पकते हुए। इसको जो है पिज़्ज़े को हम डाल देते हैं अंदर अवन के, और ये इधर 7 मिनट तकरीबन पकेगा। दरमियान में एक दफ़ा निकाल के देख लेंगे कंडीशन क्या है, और इसको चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके पास टेम्परेचर मैनुअल भी हो तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसको फिर भी पका सकते हैं। बस आपको देखना है अंदर इसको निकाल के कि ये ना ऊपर से चले ना नीचे से, तो उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर आपके पास इसी तरह ऑटोमेटिक ओवन है जिसका ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर एडजस्ट हो सकता है, तो फिर आप टाइमर लगाएं, टेम्परेचर सेट करें और 7 मिनट के बाद पिज़्ज़ा निकाल लें, आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। अब जो है 7 मिनट तकरीबन हमारे पिज़्ज़े को हो गए हैं। अब इसको बाहर निकालते हैं और इसकी शक्ल देखते हैं कि किस तरह का बना है, और इसको और पकने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये देखें तकरीबन चीज़ ऊपर से अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, डो बिल्कुल प्रूफ हो गई है इसकी। इसको बाहर निकालते हैं और इसको जो है स्लाइसेस इसके करने हैं हमने। और इसकी जो कॉस्ट के बारे में है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें से प्रॉफिट मार्जिन कितना है और बाकी सारी चीज़ें कितनी हैं। अब जो है इसको सिर्फ बाहर निकाल के हल्का सा इसको ऑयल लगाएं साइडों में, और इसके ऊपर हल्का सा ऑरिगानो जो है वो स्प्रिंकल कर दें, बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो है इसको बाहर निकालना है हमने, और इसको जो है खा के आप इधर ले आए। अब इसको अगर नीचे से देखें तो देखें, ये अगर करीब करके आपको दिखा सकें तो देखें, बड़ा प्यारा है इसका क्रस्ट पका हुआ है और बिल्कुल फ्लफी डो है। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें। इसको जो है हमने काटना है, स्लाइसेस करने हैं इसके, तो आप इसको सेंटर से, स्मॉल पिज़्ज़ा है तो इसके दो ही स्लाइसेस करेंगे, और इसकी आप ये देखें ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है, और बिल्कुल ज़बरदस्त इसका क्रस्ट पका हुआ है, और बिल्कुल डो जो है अंदर से पकी हुई है, कच्ची नहीं है। ये देखें बिल्कुल फ्लफी डो है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास कुकिंग रेंज है या आपके पास कोई अच्छा ओवन है घर के अंदर, तो घर के अंदर भी बना सकते हैं इसको। ये कुकर और पतीले वगैरह में भी पक सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएंगे। और इसकी कॉस्ट के बारे में अभी बात करते हैं। तो जी अब बात करते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा है उसकी कॉस्ट के बारे में। बनाना आपने सीख लिया, हमने आपको चिकन बनाना सिखा दिया, सॉस बनाना सिखा दी, डो बनाना सिखा दी, सारा कुछ बनाना सिखा दिया, उसकी ड्रेसिंग सिखा दी, कुकिंग सिखा दी। अब जो आखिरी चीज़ है वो है इसकी कॉस्टिंग, कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है। मैदा अगर आप मार्केट के अंदर लें सफ़ेद मैदा, वो आपको मिलेगा 40 से 45 रुपये पर केजी। सबसे पहले हमारी डो रेडी होगी, तो लाजमी बात है कि हम डो की कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। तो डो के अंदर जितनी भी चीज़ें जाएंगी, डो के अंदर सबसे पहले जाएगा मैदा, 45 रुपये का किलो है, आप 1 किलो की कॉस्टिंग निकालते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे एग, 2 एग जाएंगे, 15 रुपये के एग लगा लें आप। इसके बाद इसके अंदर यीस्ट जाएगी 10 रुपये की, ये मैं ज़्यादा रख के लगा रहा हूँ, इतनी कॉस्ट नहीं है, मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। ईका लगा लें 10 रुपये का, 1-1 चम्मच जा रहा है, वो बिल्कुल 10 से बहुत कम है वो, लेकिन हम 10 काउंट कर रहे हैं उसको। शुगर है 5 रुपये की, शुगर लगा लें। और ऑयल है तकरीबन 5 से 10 रुपये का, 50 ग्राम ऑयल है, वो लगा लें। और इलेक्ट्रिसिटी जो है 10 रुपये की, अगर आप डो मिक्सर के अंदर बना रहे हैं तो 10 रुपये की हम पर केजी इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, इतनी नहीं आएगी कभी भी, लेकिन हम डाल देते हैं कि इतनी कॉस्टिंग रखते हैं इसकी। अब ये सारे मिला के जो है 40 जो है तकरीबन ये बनेगा 100 रुपया।
जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 90 से 100 रुपये बनेंगे सारी चीज़ें करके। मतलब 100 रुपये पर केजी हमें डो जो है हमारी वो पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर चिकन। अब चिकन की कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, आजकल जो चिकन का विद बोन रेट है वो 300 से 320 के दरमियान में है। अगर आप बोनलेस लेंगे, ब्रेस्ट लेंगे, तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 370 से 390 के दरमियान में, वो आपकी मार्केट के हिसाब से है। उसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे बिल्कुल थोड़े से, वो उनकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और उनकी कुकिंग है जो गैस है उस पर, तो ये तकरीबन 430 रुपये किलो के करीब जो है वो हमें चिकन पड़ेगा जो हम चिकन बना रहे हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि चिकन आपको जो है केनन्स का भी मिल जाएगा, आपको और भी ब्रांड्स हैं जिनका बना बनाया फ्लेवर्स के अंदर 1 kg की पैकिंग आती है उनकी, उसके अंदर मिल जाएगा। आप अगर बचना चाहते हैं बनाने से तो आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ होटल्स के लिए है। अब चिकन हमारा निकला है 430 रुपये, डो हमें पड़ रही है 100 रुपये किलो। अब जो डो है डो के अंदर हम 1 kg के अंदर कितने पिज़्ज़े बन रहे हैं, जो स्मॉल पिज़्ज़ा होता है उसके पेड़े का साइज़ जो होता है वो तकरीबन 1 किलो सॉरी 100 ग्राम से लेके 120-130 ग्राम तक होता है। जो मीडियम होता है जिसे रेगुलर पिज़्ज़ा भी बोलते हैं, वो जो उसका साइज़ है वो तकरीबन 220-230 से लेके 240 तक, और जो सबसे बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसका 450-440 इतना उसका पेड़े का वेट होता है। तो हम लगा लेते हैं कि 1 kg के अंदर हमारा एक स्मॉल निकला, हमारा एक मीडियम निकला, और हमारा एक लार्ज निकला। अब स्मॉल की जो है उसकी कॉस्ट बताता हूँ मैं आपको कि स्मॉल के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आएगी और कितने का वो सेल होता है। तो स्मॉल पिज़्ज़े का जो पेड़ा है वो तकरीबन हम लेंगे, मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ 150 ग्राम का, मतलब 15 रुपये हम उसकी कॉस्ट डाल देते हैं। वो तकरीबन 120 रुपये का होता है, 12 से 13 रुपये आएगी, लेकिन हम 15 रुपये डाल देते हैं। और चिकन जो है तकरीबन 60 से 70 ग्राम जाएगा, 30 रुपये का तकरीबन चिकन इसके अंदर लगेगा बना हुआ। और वेजी और ऑलिव जो है इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 रुपये के हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल 2-3 पीस ऑलिव के लगते हैं, 3-4 पीस, और हल्की फुल्की वेजी शिमला वगैरह लगती है इसके ऊपर। और जो कुकिंग है इसकी वो तकरीबन 15 रुपये गैस के जो है वो एक्स्ट्रा ही है, इतना आता नहीं है, लेकिन 15 रुपये हम लगा देते हैं एक पिज़्ज़े के। और क्योंकि जब ओवन चलता है हमारा काम हो या ना हो हमें कॉस्ट पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आप काउंट करें तो तकरीबन 70 से 80 रुपये बनते हैं। 80 रुपये लगा लेते हैं हम स्मॉल पिज़्ज़ा के, इसकी जो हमें कुकिंग पड़ रही है वो 80 है। इसके अंदर एक चीज़ जो है वो चीज़ जाएगी, अब चीज़ जो है तकरीबन 1800 रुपये किलो का ब्लॉक, 2 किलो का ब्लॉक मिलता है हमें 2 kg का 1800 रुपये का, मतलब इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम जो चीज़ है वो चली जाएगी स्मॉल, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 40 से 50 ग्राम के करीब तकरीबन चीज़ इसके ऊपर लग जाएगी। तो वो जो है चीज़ वो हमें पड़ेगी तकरीबन 45 से 50 रुपये की। तो 70, 80 और यानी कि 80 लगा लेते हैं, 80 और 50, 130। 130 में आपको जो है स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी मिल रहा है, उसके अंदर हर चीज़ है। इसकी ब्रेड की कॉस्ट है, इसकी चिकन की कॉस्ट है, इसके अंदर जो सॉस और उसके हो जा रहा है, सॉस जो है वो भी तकरीबन 5-1 रुपये की सॉस जाएगी इसके अंदर। तो वो जो है फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी रिलैक्सेशन मैंने इसके अंदर वैसे ही कॉस्ट के अंदर रखी हुई है। तो सॉस आ जाएगी, चिकन आ जाएगा, ऊपर चीज़ आ जाएगी, इसकी कुकिंग के लिए गैस आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा 130 रुपये में। इसकी जो अब सेल है वो तकरीबन 220 से लेके 250 के दरमियान में है। जो हमारा बिल्कुल छोटा सा इलाका है 220-230 रुपये यहाँ पर स्मॉल पिज़्ज़ा का रेट चलता है, मतलब 40 से 45% मार्जिन है इसके अंदर। सिर्फ निकलना क्या है, हमारी जो सैलरीज और बिजली के बिल वगैरह निकलने हैं इसके अंदर से, तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है सॉरी नेट इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 25 से 30% के दरमियान में है पिज़्ज़े के अंदर। अब इसका मीडियम का जो है वो पेड़े के हिसाब से, चिकन के हिसाब से, मतलब के जो इसके अंदर मार्जिन है वो परसेंटेज उसकी सेम रहेगी, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर चिकन और चीज़ उतनी ज़्यादा लगेगी, उतना बड़ा उसका पेड़ा होगा और उतना ही उसका रेट उसी परसेंटेज के हिसाब से ऊपर जाएगा। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कोई इसकी कॉस्टिंग के बारे में मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, पर्सनली मुझे कॉल्स करके पूछते हैं, तो मैंने इसीलिए डिटेल में बताया कि इसके अंदर ये चीज़ें जा रही हैं, उनकी ये प्राइस है और ये कॉस्ट पड़ रही है हमें। तो अगर आप जब ये चीज़ें सारी बल्क में लेते हैं, बल्क में काम करते हैं, तो ये प्राइसेस तकरीबन 10 से 15% और रिड्यूस हो जाएगी। मतलब हमारा जो मैं जो प्राइसेस लगा रहा हूँ वो ज़्यादा लगा रहा हूँ, आप 10-15% और इसके अंदर से मार्जिन होगा।
तो ये एक बड़ी छोटी सी सीरीज़, 4 एपिसोड्स थे इसके, जिसके अंदर मैं बड़ी डिटेल से सिखाना चाह रहा था पिज़्ज़े के बारे में। कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया है, कुछ ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है। सॉस की रेसिपीज़ के बारे में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ लें, अपनी अपनी उनकी रेसिपीज़ हैं। तो इंशाल्लाह दो एक दो तरह की और रेसिपीज़ जो हैं मैं सॉसेस के हवाले से और अपलोड करूँगा इस पिज़्ज़ा के हवाले से, ताकि अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है उसको ये पसंद नहीं आ रही तो वो यूज़ कर सकता है। तो इसमें रिलैक्सेशन होती हैं, आप रेसिपीज़ चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रही है, आपके कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये भी ख़त्म ही नहीं है कि आप यही बनाएंगे, ये मेरी कोशिश है कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको बताऊं, और मैं वही कर रहा हूं और इंशाल्लाह आगे करता रहूँगा। बहुत सारी और रेसिपीज़ और रिक्वेस्ट आती हैं मुझे, बहुत सारे बहनों के भाइयों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप ये बनाना सिखा दें। अब शवारमे की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, अब पर्सनली मैं शवारमे का काम नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बनाना आता है, तो वो मैं क्या करूँगा, घर के अंदर जो है उसके स्पाइसेस, उसकी सॉसेस, उसकी जो चटनी होती है ये, और पिकल जो है वो सारे बनाने मैं सिखा दूँगा, क्योंकि उसका जो काउंटर वगैरह है वो है नहीं मेरे पास, तो मैं उधर नहीं सिखा सकता आपको। लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, हमें ये नहीं है कि हम कहाँ पे बना रहे हैं, रेसिपी आपको सेम मिलेगी, अगर कोई कारोबार करना चाहेगा उसके लिए परफेक्ट होगी। और भी मैं जो मेरा नॉलेज है उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं हमारी टीम के अंदर हैं, जो समझ लें बैक कैमरा है, जो इस चीज़ के अंदर अपना पूरा समझ लें कि 100% जो है वो देते हैं, जो उनका नॉलेज है, ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों की मिली जुली थिंकिंग है जो आप लोगों तक पहुँचती है। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस समझ लें कि कम आ रही थी, मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे जो है कोई एक शेड्यूल सेट करें, जिसके अंदर मैं आपको रेस्टोरेंट की और साथ जो है घर के अंदर कुकिंग होती है उस हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपको दे सकूँ। इंशाल्लाह अगली अपडेट तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।